नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज 1 जनवरी 2024 है, नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में ऊंचाई पर पहुंचे, आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और जीवन में एक नई ऊंचाई को छुए। दोस्तों खबर ये है दोस्तों कि 16th फाइनेंस कमीशन का गठन भारत सरकार ने कल कर दिया है दोस्तों। और 16th फाइनेंस कमीशन जिसकी अध्यक्षता में काम करेगा, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नीति आयोग के वो फॉर्मर वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दिए हैं दोस्तों, और उनका काफी योगदान रहा है नीति आयोग में। फिलहाल वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो भारत सरकार ने दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी हैं, उनको 16th फाइनेंस कमीशन के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है दोस्तों करों का बंटवारा करना। जो भी पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में आता है, किस स्टेट को, किस यूटी को कितना पैसा एलोकेट करना है, उसके हिसाब से, उसकी जनसंख्या को देख करके, राज्य की स्थिति को देखते हुए, तो वो सब फाइनेंस कमीशन का काम है। फाइनेंस कमीशन यही काम करती है दोस्तों। तो ये था खबर दोस्तों 16th और 15th फाइनेंस कमीशन जो थे किनकी अध्यक्षता में काम कर रहे थे, तो इनके सिंह का कार्यकाल जो था वो अब समाप्त हो गया है और नया फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन का गठन भारत सरकार ने कर दिया है दोस्तों, जो कि अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में काम करेगा। तो आप लोग को याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन से भी पिछले बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसे नोट रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरा प्रयास, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगा होगा दोस्तों, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और नया साल में खूब आप जीवन की ऊंचाइयों को ऊपर छूइए।